बेटे हसन, ये पुमा भी आया। बेटे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम डॉक्टर के पास जाओ। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, वहाँ से दवाई लेकर के आ जाओ। ठीक है। हेलो डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अपना बच्चा को भेज रहा हूँ, उसको दवाई दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, भेज दीजिए, दवाई दे देंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये लो तुम्हारे अब्बू की दवाई। फ़ोन पर उनसे बात हो गई है, मैंने उनको सारी चीज़ बता दी है, और इसमें बिल भी है, अब्बू को दे देना। डॉक्टर साहब, ये बिल क्या होता है? मैंने जो ये दवाई दी है, दवाई का रेट इस पर्ची पर लिख कर दिया हूँ, यही बिल है। ओ अरिया, मैं भी अब्बू की एक बिल बना के दूंगा। ये लीजिए अब्बू आपकी दवाई। ठीक है बेटे, यहाँ रख दो। मेरा पेन कहाँ है? शायद तकिया के नीचे होगा। अच्छा बिल। डॉक्टर के पास जाकर दवाई लाने का चार्ज 100 रुपया। आज मेरे बेटे ने एक काम किया और फौरन बिल दे दिया। माह तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट में रखा, इसका टोटल खर्च 0। 2.5 साल तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, इसका खर्च 0। पैदाइश से लेकर 7 साल तक तुम्हारी परवरिश की, इसका खर्च 0। 7 साल तक तुम्हारी दवाई और कपड़े, इसका खर्च 0। टोटल खर्च 0, यानी सब माफ। कर दीजिए अब्बू, दिल्ली के वक्त मैं भूल गया था कि आपने मेरे लिए क्या क्या किए होंगे। खुद भूखे रहकर मेरा पेट भरा होगा, खुद पुराने कपड़े पहनकर मुझे नया पहनाया होगा। बस कर बेटा, मुझे भी रुलाएगा क्या? देख बेटा, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो तुम्हें अपने से ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, और वो हैं तुम्हारे माँ बाप। ठीक है अब्बू, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, जीते रहो। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।